हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। एक्सरसाइज 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें सब कुछ बेसिक्स क्लियर किया है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कई मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे पैरेलल लाइन बनाना, ठीक है, और बाकी एंगल बाइसेक्टर, कौन कौन से एंगल यहाँ पे काम के आते हैं इस चैप्टर के अंदर, उनके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस यहाँ पर ना कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने ऐसा ही कुछ किया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ना एक रफ डायग्राम हमेशा ना दिमाग में आपके चलना चाहिए, या फिर आप जो जो अपने अंदर शीट का जो रफ पेज होता है उस पर आप जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक रफ डायग्राम और रफ आइडिया देता हूँ, रफ डायग्राम कि करना क्या होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है वहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आइसोसेलस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड्स बराबर, ये है ना, ये इसकी लेंथ कितनी यहाँ पर 8 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी टोटल 8। बोला है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का है। ये दोनों आसपास वाली साइड्स नहीं दिए मैं, ठीक है, मैं ऑल्टीट्यूड दे दिया। ये ऑल्टीट्यूड यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। तो अब इसको बनाने के लिए आप स्ट्रेटजी बना लोगे कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे, फिर बेस बनाने के बाद इसका क्या ले लेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऊपर की तरफ ना यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर कट कर देंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर पर कट करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, अपना आइसोसेलस ट्राइंगल। उस पॉइंट को इस टाइप से करेंगे, पहले ये बनाएंगे, फिर ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, फिर यहाँ से 4 का कट लगा दें यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इस टाइप से बन जाएगा ये आइसोसेलस ट्राइंगल। तो एक रफ डायग्राम जरूर चलना चाहिए दिमाग में। और यहाँ पर एक स्केल फैक्टर, जो रेशियो गिवन है वो भी है, वो भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर ये यहाँ पर गिवन है 1/2। तो इसको आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको उसमें चेंज कर लो, प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3/2। स्केल फैक्टर कितना है, 3/2। इससे क्या समझने को मिलता है, ये जो जो नीचे वाला नंबर जो होता है स्केल फैक्टर में, वो पुराने वाले ट्राइंगल का होता है, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है नए वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो जब कभी भी बात आएगी पुराना वाला ट्राइंगल, तो उसके उसके साथ में आप ये टू नंबर्स, टू को याद रखना, और नए वाले ट्राइंगल की बात आएगी तो 3 को याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन करना। सबसे पहले पता है क्या करना है हमें, ये बेस तैयार करना है 8 सेंटीमीटर का। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का बेस तैयार करेंगे। तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहीं कर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर तो ना 4 सेंटीमीटर की जगह चाहिए, जैसा कि रफ डायग्राम में हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की जगह चाहिए हमें, यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये ऊपर ए बोल देंगे, नीचे बी और सी नाम दे लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का बना लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बी नाम दे देता हूँ, इसको हम सी नाम दे देते हैं। अब करना क्या है, अब इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, और बाकी आसान ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। हम इस लाइन जो 8 सेंटीमीटर ना, इसके आधे से ज़्यादा खोलेंगे कंपास को, तो आधे से ज़्यादा मान लो ये खोल लिया हमने। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से इधर कट लगा दिया। ठीक है, और अब इसको ना बिना निकाले जल्दी करना, तो ये इधर नीचे भी साइड भी कट लगा दो। ठीक है, इसको हल्के हल्के कट लगाने, ज़्यादा इसको डार्क मत करना, क्योंकि ये तो इसके बाद तो अभी बहुत सारी चीज़ें बनेगी। ये कट लगा दिया और ये कट लगा दिया। जो डायग्राम को अगर अच्छा दिखाना है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो भी कट लगते हैं उनको आप हटा सकते हो, और थोड़ा मतलब कम कर सकते हो उनके ना, उनको लाइट कर सकते हैं। फिर अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन करना है तो एकदम लाइट ज्वाइन करना, क्योंकि इसी को ज्वाइन करना नहीं है अभी, क्वेश्चन तो और भी बहुत बाकी है। तो इसको हम इस टाइप से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, नीचे ज्वाइन करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मेनली हमें ऊपर की तरफ जाना है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो अब करना क्या है, अब देखो नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ ये ऑल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से सीधा सीधा ऊपर, ऑल्टीट्यूड मतलब एकदम परपेंडिकुलर जो आके लगे। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो
अब इसको ना यहीं से डायरेक्ट यहाँ से 4 सेंटीमीटर का कट लगा लेंगे ऊपर की सर। तो पहले 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, कितना होगा 4 सेंटीमीटर, देखो कितना होगा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का, है ना, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत 1-2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर तो नहीं, 1 मिलीमीटर तक तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कट लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो पॉइंट मिला है यही ऊपर वाला पॉइंट है जो ए है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का कट लगा लिया हमने। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ए पॉइंट बोल देंगे। इसको ना इसे ज्वाइन कर दो, इसे ज्वाइन कर दिया, और इसको इससे भी ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन मेनली अब स्टार्ट होता है। ये तो गिवन ट्राइंगल था, ये तो हमें कैसे न कैसे करके बनाना ही था। अब इसके बाद में इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स 3/2 times होगी इससे, ठीक है, मतलब 1.5 गुना होगी, मतलब वो ट्राइंगल बनेगा बाहर। वैसे भी साफ साफ दिख रहा है, पुराने वाले का नंबर कितना है 2, नए वाले का नंबर कितना 3, तो नए वाले का नंबर ज़्यादा है 3 है, तो वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा पुराने वाले से, ठीक है। ये मतलब इसके बाहर एक ट्राइंगल और बनेगा। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, बाहर बनेगा तो इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं आगे की तरफ, इसको भी प्रोड्यूस कर देते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इधर हम इसको प्रोड्यूस कर दिया इधर, और इधर से एक और लाइन निकाल देते हैं इस साइड एक और लाइन लगा दी। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि इधर लाइन बना दी, यहाँ से ये छोड़ दी लाइन, वो लाइन छोड़ दी, ठीक है, ऐसे तीन तीन लाइन ऐसे भी देख सकते हो। अब देखो, अब अगला काम किसका होता है, यहाँ पर बताओ कि 3 और 2 जो नंबर है इनमें मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है। 3 और 2 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। अब वो न्यूमरेटर आएगा या डिनोमिनेटर आएगा ऐसे मत देखना, कई बार नीचे भी बड़ा नंबर मिल जाता है। तो अब बड़ा नंबर कितना आया, 3। तो आपको करना क्या है, इसको मैं यहाँ पर x नाम दे देता हूँ। ये जो बी एक्स लाइन है ना, इस पर हमें 3 मार्क्स लगाने हैं, ठीक है, हमें 3 मार्क्स यहाँ पर लगाने हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना 3, वो कहीं पर भी मिल सकता है। तो इधर 3 मार्क्स कैसे लगाएंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस के। तो 3 मार्क्स ऐसे लगाना कि लगभग ये लाइन पूरी कवर हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा भी ना बने। तो मैं इस लेंथ का लगाऊंगा ना, 3 3। तो यहाँ से स्टार्ट करना ना कि नीचे से, ये लग गया फर्स्ट मार्क, ये हो गया सेकेंड मार्क, और यहाँ से लग गया थर्ड मार्क, ठीक है। तो अभी इनको नाम दे देते हैं, ये B की सीरीज बना देते हैं इधर, इसको नाम दे दिया B1, इसको नाम दे दिया B2, और इसको नाम दे दिया B3, ठीक है। अब देखो, अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर अभी ट्राइंगल कौन सा बना हुआ है, पुराना वाला, तो पुराने वाले का नंबर क्या है 2, तो पुराने वाले को 2 से कनेक्ट कर दो। पुराना वाला कौन है, इधर पॉइंट कौन सा है, सी को B2 से कनेक्ट करना, B3 से कनेक्ट मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये इस पे नज़रें बनाए रखो, पुराने वाले का नंबर कितना है 2 है, ठीक है, नीचे वाला नंबर पुराने वाले का होता है, तो पुराने वाले का नंबर क्या है 2। तो यहाँ पर पुराने वाला पॉइंट क्या है सी, इधर 2 कहाँ पर है, ये रहा, तो पुराने वाले को 2 से लिंक कर दो। तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे हम सीधा सीधा, इसको ज्वाइन कर दिया इससे, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। अब पुराने वाले को 2 से लिंक कर दिया, तो जो नया बनेगा वो किससे लिंक्ड होगा, वो 3 से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 वाला पॉइंट का है यहाँ पर, अभी नया वाला तो बनना बाकी है, ठीक है, नया वाला बनना बाकी है, लेकिन जो ये नई वाली जो लाइन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ठीक है, वो ऐसी लाइन बनेगी कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी जो 3 से तो पास होगी, कोई नया वाला पॉइंट है ये 3 का है, और वो इस लाइन की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, आई बात समझ में। तो हमें ना इसके पैरेलल यहाँ से लाइन बनानी पड़ेगी। दो लाइंस पैरेलल कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ वाला एंगल, ठीक है, और यहाँ वाला एंगल बराबर होगा तभी लाइंस पैरेलल बन जाएगी। तो हमें ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर करने का सहारा लेना पड़ेगा लाइंस को पैरेलल बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ वाला एंगल अब कॉपी करके यहाँ पे लगाएंगे। अब पैरेलल लाइंस कैसे बनाते, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। तो देखो कैसे करना है, पहले पहले आर्क कॉपी करते हैं, उसके बाद में पहले आर्क कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम एंगल कॉपी करेंगे। तो यहाँ से पहले आर्क बना लेते हैं, इधर ये मैंने बना ली एक आर्क, ठीक है, इस टाइप से बन गई ये लाइन। अब इसको चेंज मत करना, इस कंपास को चेंज मत करना, यहाँ से उठाना, यहाँ पर रखना, और एक आर्क और बना दो, ये बना दी हमने आर्क,
ठीक है। अब देखना कि ये बी टू वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना खुला हुआ, तो खुला हुआ कितना है कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है कि यहाँ रख के आप सीधा सीधा देखो कि ये कितना दूर है यहाँ से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी हम कंपास से देखेंगे। यहाँ पर रखो, देखो कितना खुला हुआ है भाई, ये एंगल खुला हुआ है, इसको चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुला हुआ है इतना, ठीक है, ये इतना खुला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से ये हमने मेजर कर लिया वहाँ से, और ये यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है और इधर कर दिया हमने कॉपी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर तो ये लाइन ऐसे निकली हुई है, हम यहाँ से भी इस टाइप से एक लाइन निकाल देंगे, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ज्वाइन कर देते हैं इनको। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। इसका नाम क्या है, बी टू सी, इसका हम नाम रखेंगे बी थ्री सी डेस, ये सी के साथ सी डेस आ गया इधर, ठीक है। तो देखो अब इसको धीरे धीरे समझते चलना, ये पुराना वाला ट्राइंगल था ए बी सी, अब नए वाला जो ट्राइंगल बनने वाला है उसका बेस तैयार हो गया, कितना इधर ऊपर कहीं पर ए पॉइंट आएगा, ए डैश पॉइंट आएगा, इधर ये बी है और ये सी डी एस, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेस, नहीं ये इतनी बड़ी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे नए वाले ट्राइंगल की बेस बन गई। अब क्या करेंगे, तो देखो भाई अब फिर से ना हमें एक एक और लाइन पैरेलल बनाना पड़ेगा, अभी इस साइड के पैरेलल में इधर से भी ऐसे लाइन पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस साइड के पैरेलल में ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी, तो दो लाइंस पैरेलल बनानी पड़ेगी, इसका मतलब ये वाला यहाँ वाला एंगल इधर कॉपी कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो जैसा इधर पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट यही है, एंगल कॉपी करो, तो जैसा इधर नीचे किया था वैसा हम ऊपर करेंगे। तो पहले तो एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है, आर्क कैसे बना लो, एक आर्क होनी चाहिए, ये बना लिया हमने आग। अब ये कंपास को हिलाना मत, बिना चेंज किए यहाँ पर रखना, जो आग हमने उधर बनाया था वैसा ही आग अब इधर बना देंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, अब क्या देखना, अब देखना है कि ये एंगल कितना खुला हुआ है, ठीक है। तो एंगल कितना खुला हुआ वो कैसे देखोगे, यहाँ से उसको मेजर करना, ये कितना, अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये हो गया, ठीक है। ये अब इसको बिना चेंज किए, जैसे यहाँ इस आग के इस पॉइंट से ये पॉइंट हमने मेजर किया ना, तो यहाँ पर रख के यहाँ पर हम कट लगा देंगे, अब यहाँ पे मेजर नहीं करेंगे, उधर मेजर किया और इधर कॉपी कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये से लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी हम इस टाइप से लाइन बना देंगे, इसको ज्वाइन कर दो और आगे बढ़ा दो, ये बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों लाइंस भी क्या आ गई, पैरेलल आ जाएगी। यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई, एडेस, ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया एडेस। तो यहाँ पर हमने जो गिवन था, गिवन ट्राइंगल वो कौन सा था, ए बी सी, जो हमने बनाया, जो दूसरा सिमिलर ट्राइंगल बनाया, सिमिलर ट्राइंगल वो कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी, ये तो पुराना वाला था, नया क्या बनाया हमने, ए डेस बी और सी डेस, ए डेस बी और सी डेस, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल ए डेस बी और सी डेस, पुराने वाले ट्राइंगल ए बी सी के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बाकी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, वो अपना हर कोई अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो, बड़ा सिंपल चीज़ होता है, उसमें क्या करना होता है, जैसे जैसे हमने यहाँ पर काम किया वो वहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। जनरली 5 6 7 स्टेप्स वहाँ पर लिखने से काम हो जाता है। चलो मिलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू वेरी मच।